हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो नीट 2020 एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीट एग्ज़ाम में लगभग हर साल माइको प्लाज्मा टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रेप्लीकेशन। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है जो नीट 2017 एग्जाम में पूछा गया है। विच एमोंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो दोस्तों, जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा होता है और बिना सेरवाल का होता है और बिना ऑक्सीजन का भी जीवित रह सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई। तो दोस्तों, जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। अर्थात माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। तो ये तो सही है, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है विभिन्न रूपों में पाया जाना। तो दोस्तों, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है इसलिए ये विभिन्न रूपों में पाया जाता है, अर्थात ये प्लियोमॉर्फिक होता है। दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव नहीं होता है पेंसिलिन पर, अर्थात माइकोप्लाज्मा जो होता है वो पेंसिलिन से सेंसिटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दे कॉज डिजीज इन प्लांट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा हमारा पेंसिलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, ये हमारा क्लोरोएम्फिनिकोल के प्रति सेंसिटिव होता है। ओके, अब चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज इनकोरेक्ट फॉर माइकोप्लाज्मा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दे आर ऑस्मोलिटी, पहला ऑप्शन कह रहा है दे आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, दूसरा कह रहा है सो अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तीसरा कह रहा है आर सेंसिटिव टू मॉडर्न एंटीबायोटिक्स, चौथा कह रहा है आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर है यही गलत है। माइकोप्लाज्मा हमारा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट नहीं होता है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रोकैरियोटा इंक्लूड्स। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रोकैरियोटा इंक्लूड्स, पहला कह रहा है माइकोप्लाज्मा, तो ये हो सकता है क्योंकि माइकोप्लाज्मा हमारा प्रोकैरियोट है। यूलोथ्रिक्स, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यूलोथ्रिक्स हमारा एल्गी है और जो यूकैरियोट है। फंजाई, ये हमारा यूकैरियोट है। और माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो मोर करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये मोर करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमको प्रोकैरियोटा के दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। पहला है माइकोप्लाज्मा, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमारा माइकोप्लाज्मा तो प्रोकैरियोटा है, लेकिन यहाँ पर जो
ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से मोर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहाँ पर माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों प्रोकैरियोटा है और हमको दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पेंसिलीन एंड वेनेकोमाइसिन डू नॉट अफेक्ट द माइकोप्लाज्मा बिकॉज। दोस्तों, पेंसिलीन और वेनेकोमाइसिन माइकोप्लाज्मा को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। जो हमारा पेंसिलिन और वेनेकोमाइसिन होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है जिनके पास सेल वॉल होता है, लेकिन हमारे माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए ये माइकोप्लाज्मा को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोप्लाज्मल डिजीज। कौन सा माइकोप्लाज्मल डिजीज के प्रति बहुत ज्यादा इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन कह रहा है वेनेकोमाइसिन, दूसरा कह रहा है पेंसिलिन, तीसरा कह रहा है क्लोरोएम्फिनिकोल, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, जो हमारा क्लोरोएम्फिनिकोल होता है वो इफेक्टिव होता है माइकोप्लाज्मल डिजीज के प्रति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रो बायोलॉजिकल पार्क। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क हमको माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विटचेज ब्लूम ऑफ लेग्यूम इज कॉज्ड बाई ए। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विटचेज ब्लू ब्रूम जो होता है, विटचेज ब्रूम जो लेग्यूम में होता है वो हमारा माइकोप्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एलिमेंट्री सेल बॉडी इन माइकोप्लाज्मा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। पहला ऑप्शन कह रहा है मेटाबॉलिज्म, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्सक्रीशन, चौथा ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है मेटाबॉलिज्म, दूसरा कह रहा है एक्सक्रीशन, तीसरा कह रहा है रिप्रोडक्शन और चौथा कह रहा है रिस्पायरेशन। तो दोस्तों, हमारे माइकोप्लाज्मा के अंदर जो एलिमेंट्री सेल बॉडी होता है वो रिप्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, माइकोप्लाज्मा आर नॉट सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेंसिलिन, नियोमाइसिन। तो दोस्तों, हमारा जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पेंसिलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि पेंसिलिन हमारा सेल वॉल पर इफेक्ट दिखाता है जो कि माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। तो इसलिए हमारा माइकोप्लाज्मा पेंसिलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर माइकोप्लाज्मा। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, चौथा ऑप्शन कह रहा है डेफिनेट शेप। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नीट पहले AIPMT के नाम से होता था, तो AIPMT 2015 में पूछा गया है। तो दोस्तों, माइकोप्लाज्मा के बारे में हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो है अबसेंस ऑफ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु रिकॉर्डेड प्ल्यूरो निमोनिया इन कैटल्स। किसने प्ल्यूरो निमोनिया को कैटल्स में रिकॉर्ड किया था? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है पाश्चर, दूसरा क्या ऑप्शन कह रहा है ट्वार्ट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नॉल्ड एंड रुस्का, चौथा ऑप्शन कह रहा है नोकार्ड एंड रॉक्स। तो दोस्तों, नोकार्ड एंड रॉक्स जो थे उन्होंने प्ल्यूरो
प्लूरोनिमोनिया को कैटल में रिकॉर्ड किया था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोडर कैन ट्रांसमिट, पहला ऑप्शन कह रहा है माइकोप्लाज्मल डिजीज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वायरल डिजीज, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो हमारा डोडर होता है वो माइकोप्लाज्मल और वायरल डिजीज दोनों को ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, जो डोडर होता है वो हमारा माइकोप्लाज्मल डिजीज और वायरल डिजीज दोनों को ट्रांसमिट कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा कॉजेज ह्यूमन स्टरिलिटी, माइकोप्लाज्मा की कौन सी स्पीसीज ह्यूमन स्टरिलिटी को कॉज करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है माइकोप्लाज्मा होमोनिस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ, पहला ऑप्शन कह रहा है सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है म्यूसिलेजिनस शीथ, चौथा ऑप्शन कह रहा है स्लाइम लेयर। तो दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा की आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर होती है वो क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेम्ब्रेन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज इज थ्री लेयर्ड, अर्थात कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन तीन लेयर की होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है नॉस्टॉक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ईकोलाई, चौथा ऑप्शन कह रहा है रोडोस्पाइरुलम। तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर लिमिटिंग लेयर होती है और तीन लेयर से बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिजीज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कॉज्ड बाई, पहला ऑप्शन कह रहा है एल्गी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डिजीज मुख्यतः माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेंडेंसी ऑफ एबोर्सन इन लेडीज इज कॉज्ड बाई, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों टेंडेंसी ऑफ एबोर्सन इन लेडीज मुख्यतः माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाई माइकोप्लाज्मा, पहला ऑप्शन कह रहा है सिट्रस ग्रिगेरिंग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सैंडल स्पाइक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रासे सूट ऑफ सुगर केन, चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सिट्रस गिगेरिंग, सैंडल स्पाइक और ग्रासे सूट ऑफ सुगर केन डिजीज कॉज्ड करता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइकोप्लाज्मा इज ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, सम स्पीसीज आर ग्राम पॉजिटिव, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा होता है वो हमारा ग्राम नेगेटिव होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीपीएलओ रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई बाई गैमेटिक फ्यूजन, बाइनरी फिशन, इंडोस्पोर, एकाइनिट। तो दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा होता है वो हमारा बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म डीएनए एंड आरएनए बट नो सेल वॉल, जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें कह रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके साइटोप्लाज्म डीएनए भी हो और आरएनए हो लेकिन सेल वॉल नहीं हो,
तो ये हमारा जो करेक्टर होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइकोप्लाज्मा इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन कह रहा है एल्गी, दूसरा कह रहा है बैक्टीरियोफेज, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वायरस, चौथा ऑप्शन कह रहा है एल फॉर्म बैक्टीरिया। तो दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा होता है वो हमारा एल फॉर्म बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप आर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है वो होता है, क्या होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड, जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जाने के बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके, तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम 2020 में इन्हीं प्रश्नों में से घूम फिर कर आएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये वीडियो जिसके पास भी पहुंच जाए उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करे। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।